हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल OCC बाबीपुर सर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत दिनों बाद जाकर के आप लोगों से मुलाकात हो रही है ऑनलाइन क्लास में, और एक बार फिर से एक नया सेटअप बनाया गया। आप लोग देख सकते हैं बड़ा बोर्ड लगाया गया। पिछली बार वाला जो बोर्ड था थोड़ा छोटा था, व्हाइट बोर्ड, इस बार थोड़ा बड़ा बोर्ड लगाया गया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो, ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं। और इसके साथ ही नया सेटअप बिल्कुल तैयार किया गया है आप लोगों के ऑनलाइन क्लास के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का सिलेबस भी नया हो चुका है, पुराना वाला सिलेबस खत्म हो चुका है। अब आ गई है NEP 2020। क्या आ गई है? NEP 2020, ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस बिल्कुल चेंज्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो आप यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, या फिर आप यूपी के अलावा भी किसी यूनिवर्सिटी में हो, अगर आपके यहाँ ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग सिलेबस लागू किए गए हैं, चलाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आपको देखना चाहिए, और देखने के बाद आज हम लोग इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो जो बेसिकली जो स्टूडेंट्स NEP 2020 का सिलेबस पढ़ रहे हैं, उनके कोर्स में या उनके यूनिवर्सिटी में NEP 2020 लग चुका है, इसके अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं, तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं सीधे अपने टॉपिक पर आऊँ कि आज हम लोग आज ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ, तो ये वीडियो जनरली एक इंट्रो वीडियो बोल लीजिए, या डेमो वीडियो बोल लीजिए, या पहला वीडियो बोल लीजिए, कि बिल्कुल जो आपका नया सेटअप लगा है इसके अकॉर्डिंग जो बैचेस स्टार्ट करने थे, जैसा कि आप लोगों की तरफ से लगातार मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ बैच कब से स्टार्ट होगा, प्लीज़ पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, तो बिल्कुल मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, पहला वीडियो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देंगे इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल पर लेकर के आएंगे भी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे सबसे पहले पॉइंट पर हम लोग एडमिशन के बारे में, कि ये जो बैचेस लॉन्च किए जा रहे हैं ये इनमें कौन कौन से कोर्सेज आपको पढ़ाए जाएंगे, और साथ में इनका एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, जनरली हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आप लोग ये जो ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली हैं इनका एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग इसमें फ़ी स्ट्रक्चर को देखेंगे, किस तरीके से कितनी फ़ी रखी गई है आप लोगों के लिए, कितनी फ़ीस आपको पेड करनी पड़ेगी ऑनलाइन कोर्स को लेने के लिए, खरीदने के लिए। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम लोग कोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल रहेंगे, इस यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। एंड नंबर फोर पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाता आ रहा हूँ बहुत दिनों से, तो ऑब्वियसली बात है मैं केमिस्ट्री ही पढ़ाऊँगा, तो केमिस्ट्री का जनरली मैं थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगा कि केमिस्ट्री जो खास करके आज मैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के आया हूँ, BSc फर्स्ट सेमेस्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो BSc फर्स्ट सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री है उसके बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, और साथ में जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री के सिलेबस को भी जनरली मैं डिस्कस करूँगा, और यहाँ पर आप लोगों का आज का वीडियो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस तक आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद कल से आपका जो लेक्चर होगा, ऑनलाइन क्लास होगा, वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, पहला टॉपिक कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये डेली बेसिस पर आपको ये क्लासेस मिलती चली जाएंगी, और आप लोग आराम से पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो चलिए फटाफट से सभी पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि किस तरीके से आप एडमिशन लेंगे, एडमिशन किस तरीके से आपको लेना है, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि वहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कोने में आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बड़ा बड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूँ, 7080884759। ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, समझिए चैनल का नंबर है। ठीक है, इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, या SMS कर लीजिए, या मैं कहूँगा कि WhatsApp कर लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। WhatsApp पर आप करेंगे तो जैसे ही मैं आपका मैसेज देखूँगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, तो आप इस पर मुझे WhatsApp करिए, इस नंबर पर WhatsApp करके बताइए कि मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, और मुझे ये कोर्स लेना है, और मुझे ये कोर्स लेकर के पढ़ना है, तो बिल्कुल आपको तुरंत एडमिशन मिल जाएगा, जैसे आप फीस पेड करेंगे तुरंत आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो सिंपल से अगर मैं बात बताऊं कि एडमिशन में आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, क्या करना है, व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप आप करेंगे, व्हाट्सएप करके मुझे बताएंगे कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, और मुझे आपके कोर्सेस लेना है, लेकर के पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको डेमो वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डेमो वीडियो आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो एडमिशन के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात मैंने बता दिया कि इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है।
रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट भी मैं आपको बता दूँ, ये जो नंबर आपको दिख रहा है मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी नंबर से आप देखेंगे गूगल पे हो गया आपका, गूगल पे, फ़ोन पे, ठीक है, फ़ोन पे, पेटीएम, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पेमेंट की प्लेटफॉर्म है जिससे जो सभी लोगों के पास होते हैं, तो इसमें से किसी से भी आप चाहें तो इसी नंबर पर पेमेंट करके आराम से एडमिशन ले सकते हैं, पहली बात। या फिर क्यूआर कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा चैनल का, तो क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मान लीजिए इसमें से कुछ नहीं इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी नहीं यूज करते हैं, तो आप पासबुक से भी पेमेंट कर सकते हैं, मतलब पेमेंट की हर सुविधा उपलब्ध है, बस आप बताइए कि आपके पास क्या सुविधा, किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस पर आप जाकर के पेमेंट कर दीजिए, आपको तुरंत कोर्स मिल जाएगा। और बिल्कुल, ये कोर्स कहाँ भेजा जाएगा, किसी ऐप पर नहीं चलेगा, किसी अलग वेबसाइट पर नहीं चलेगा, सीधे सीधे यूट्यूब पर ही रहेगा, आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो जो भी कोर्स खरीदेंगे आप वो आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर ही आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, वहीं से आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपको फीस थोड़ी ज़्यादा लगेगी तो आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, दो लोग तीन लोग मिल करके एडमिशन ले लीजिए और आपकी फीस जो भी वो आधी हो जाएगी, ठीक है, दो लोग लेंगे तो आधी हो जाएगी, तीन लोग लेंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है, तो दो तीन लोगों में आपकी फ़ीस पड़ जाएगी, इसके लिए बिल्कुल आप फ्री है, ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पेमेंट करना है, यहाँ से आकर के आपको एडमिशन लेना है, ये हो गई एडमिशन की बात। अब हम लोग बात करते हैं फीस क्या रखी गई है, तो फीस की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो ये नंबर मैं अभी रहने दे रहा हूँ, आप लोग आराम से इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ। फी की अगर मैं बात करूँ तो फीस जनरली रखी गई, जैसे आप मान लीजिए बीएससी अभी अभी जो क्लासेस जो अभी जो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो कोर्सेज आपके स्टार्ट हो रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, प्लस एमएससी फर्स्ट ईयर, क्योंकि आप जानते हैं एमएससी ईयर वाइज अभी भी है, ये सेमेस्टर वाइज नहीं हुआ है, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड एमएससी फर्स्ट ईयर के कोर्सेज केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री बोल लीजिए या सभी सब्जेक्ट के बोल लीजिए, लॉन्च हो रहे हैं, केमिस्ट्री से शुरुआत हो रही है, ठीक है, लॉन्च हो रहे हैं, ये दोनों में से कोई भी कोर्स आप लेकर के पढ़ सकते हैं, आप एमएससी में हैं तो इसको ले सकते हैं और अगर आप बीएससी में हैं तो इसको ले करके पढ़ सकते हैं। फीस कितनी रखी गई है, तो फीस की अगर मैं बात करूँ तो चलिए इसको मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, तो फीस जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑनलाइन क्लास फीस ओनली 100 रुपीज़ पर यूनिट लिखा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूँ कि अगर आप यूनिट वाइज पढ़ना चाहते हैं, जैसा अगर मैं बात करूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, तो इसमें टोटल 8 यूनिट है, केमिस्ट्री में मान लीजिए 8 यूनिट टोटल है आपकी, ठीक है, 8 यूनिट है, मैं अभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 8 यूनिट टोटल आपके पास है, 8 यूनिट में से अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिट को लेकर के पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आपको किसी यूनिट में डाउट है, सिर्फ आपको वही पढ़ना है, तो अगर आप पूरा कोर्स खरीदेंगे तो आपका पैसा नुकसान जाएगा, इससे अच्छा आप सीधे उसी यूनिट को लेकर के पढ़ लीजिए, आपका कम में काम नहीं पड़ जाएगा, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक दो यूनिट को लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है, 100 रुपीज़ पर यूनिट रेट इसका रखा गया है, फीस इसकी रखी गई, 100 रुपये आप पेमेंट करेंगे तुरंत, जो यूनिट आप बोलेंगे, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से कोई भी आप बोलेंगे वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, ये हो गया यूनिट वाइज फीस। अगर मान लीजिए आपको केमिस्ट्री का पूरा कोर्स ही खरीदना है, मीन्स एक सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, ठीक है, तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स खरीदते हैं तो क्योंकि 8 यूनिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 800 होना चाहिए था, फीस कितनी होनी चाहिए थी, 800 होनी चाहिए थी, लेकिन इस फीस को कम करके घटा करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक साथ लेने की वजह से 100 रुपये और इसमें ऑफ किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको 700 रुपये, कितने, 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट बोल लीजिए, ठीक है, कोई भी आप सब्जेक्ट का लेते हैं, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप टोटल कोर्स लेते हैं, मीन्स टोटल 8 यूनिट का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज़ पेड करने पड़ेंगे, एक सब्जेक्ट के टोटल लेक्चर, बिल्कुल डिटेल्ड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, एक एक हेडिंग उसमें पढ़ाई गई होगी, अगर कुछ छूट जाएगा तो आप तुरंत मैसेज करिएगा, तुरंत उस वीडियो को बना करके आपको दिया जाएगा, ठीक है, वो वीडियो मैं बनवा दूंगा, अगर मान लीजिए कुछ छूट जाता है तो। अगर ऐसा होता है कि कोर्स हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या कोई यूनिट अगर छूट जाती है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना कोर्स छूटेगा आपका, हालांकि छूटने नहीं देंगे हम लोग, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपके दिमाग में आता है कि सर पहले आप फीस ले लीजिए और पता चला लास्ट तक आप पढ़ाई नहीं, तब क्या होगा, तो तुरंत आपकी फीस बिल्कुल रिफंड की जाएगी, जैसा कि मुझे मालूम है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास है चैनल पर और विश्वास ही सब कुछ है, तो विश्वास अगर आपको चैनल पर है, आप एडमिशन ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है
कि अगर कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है और आपने फीस पेमेंट कर दिया है तो आपको तुरंत रिफंड किया जाएगा, जैसा कि काफ़ी लोगों को पीछे भी किया गया है, जो नोट्स वगैरह जिनका नहीं मैच होता है सिलेबस से ले लेते हैं तो इसके बाद भी उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, क्योंकि क्या फ़ायदा होगा, है ना, जब अगर उनका उनके सिलेबस से मैच नहीं हुआ तो फिर तुरंत वापस कर दिया जाता है चैनल के थ्रू, जो लोग वापस लिए हैं रिफंड इनका उनसे आप पूछ सकते हैं, तो रिफंड तुरंत किया जाएगा, इसका आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया सब्जेक्ट वाइज। अब एक और फीस है, अगर मान लीजिए आप तीनों सब्जेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएससी में 3 सब्जेक्ट है टोटल, तो अगर आप तीनों सब्जेक्ट का एक साथ खरीदना चाहते हैं, एक ही जगह पे पढ़ना चाहते हैं, यहीं पे पढ़ना चाहते हैं तीनों सब्जेक्ट एक साथ, तो 3 सब्जेक्ट के हिसाब से मान लीजिए एक सब्जेक्ट का 700 है तो 3 सब्जेक्ट का कितना होना चाहिए था, तो आप सोचेंगे कि इतना होना चाहिए था 2100, 2100 रुपये होना चाहिए था, लेकिन 2100 रुपये ना रख करके आपको बिलीव नहीं होगा, एकदम घटा करके एकदम कम करके समझिए 2 सब्जेक्ट का रेट आपसे लिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये। कितने 1500 रुपये में आप देखेंगे टोटल 3 सब्जेक्ट बोल लीजिए, ठीक है, टोटल 3 सब्जेक्ट या टोटल कोर्स बोल लीजिए, पूरा का पूरा कोर्स बीएससी का पूरा का पूरा कोर्स टोटल 3 सब्जेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में दिया जाएगा एक साथ लेने की वजह से, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको फीस स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आराम से समझ सकें, ठीक है, और लोगों को दिखा सकें। अगर आप यूनिट वाइज लेते हैं तो 100 रुपीज़ पर यूनिट पड़ेगा आपको, अगर आप सब्जेक्ट वाइज लेते हैं कोर्स को तो 700 रुपीज़ पड़ेगा, और अगर आप तीनों सब्जेक्ट एक साथ लेते हैं तब तो आपको भारी फ़ायदा होगा, 1500 में ही 1500 रुपये में सिर्फ आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे बिल्कुल डिटेल अच्छे तरीके से फुल कोर्स, ठीक है, एक एक हेडिंग के साथ, ठीक है। प्लस इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ, प्लस जो लोग कोर्स लेंगे उनको नोट्स का पैसा अलग से पेड नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स ओनली 10 रुपीज़ पर यूनिट सभी सब्जेक्ट के, तो अगर आप नोट्स सीधे लेना चाहते हैं तो वो तो सिर्फ आपको 10 रुपीज़ पर यूनिट पड़ेगा, ठीक है, मीन्स 80 रुपीज़ में टोटल 8 यूनिट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग कोर्स ले रहे हैं उनको इस नोट के लिए पैसा पेड नहीं करना पड़ेगा, उनको बिल्कुल फ्री में नोट्स दिया जाएगा, जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे, ठीक है। हालांकि आपको क्लास में नोट्स बनवाया जाएगा, आप चाहें तो यहाँ से क्लास में से नोट्स बना सकते हैं खुद से अपने हाथ से, लेकिन जो नोट्स रहेंगे जो ऑलरेडी बने हुए नोट्स हैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा फ्री नोट्स, तो नोट्स का आपको टेंशन नहीं लेना है, नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे जो लोग भी कोर्स लेकर के पढ़ेंगे। मान लीजिए आप एक यूनिट का कोर्स लेते हैं तो उस यूनिट का जो नोट होगा वो आपको फ्री में दे दिया जाएगा, अगर आप एक सब्जेक्ट का कोर्स लेते हैं तो उस सब्जेक्ट का टोटल नोट आपको दे दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, एमसीक्यू के साथ, रिटन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ सब आपको दे दिया जाएगा। और मान लीजिए अगर आप तीनों सब्जेक्ट का लेते हैं तो तीनों सब्जेक्ट का ही नोट आपको दे दिया जाएगा, आप लोग उसे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फीस स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, तब आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें हो गई, फी एडमिशन कैसे लेना है आपको समझ में आ गया, फीस आपको समझ में आ गई, क्या रखी गई है, कोर्सेस आपको समझ में आ गए, कौन कौन से कोर्सेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं कि केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होने जा रहा है, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो केमिस्ट्री का आज थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको दूंगा, और इसके साथ से ही समझिए आज से ही आपका केमिस्ट्री का बैच बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, आज की पहली क्लास मान लीजिए केमिस्ट्री की है, ठीक है। और ये किस क्लास के लिए है तो मैं आपको बता दूं, ये आज जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो बीएससी, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर आप बोल लीजिए, बीएससी फर्स्ट ईयर मीन्स पहले साल का फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर, तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है, केमिस्ट्री में बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, यानी सीधे सीधे बोले तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास आपकी यहाँ से केमिस्ट्री की जो क्लास है वो आज यहाँ से आपकी स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हम लोग क्या आज पढ़ने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, किस क्लास का पढ़ने वाले हैं, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, तो जितने भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे,
ठीक है। बाकी जो अदर क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो बाकी फीस स्ट्रक्चर एडमिशन एंड कोर्सेज समझ गए हैं, तो लोग दूसरे वीडियो को देखेंगे जब मैं उनकी क्लास का बनाऊंगा। फिलहाल आप एडमिशन लेने चले जाइए, ठीक है, एडमिशन लीजिए। बाकी लोग वैसे फर्स्ट सेमेस्टर वाले यहाँ पे रुके रहें और देखते रहे आगे। तो अगर मैं इसमें बात करूँ कि केमिस्ट्री की, अगर मैं बात करूँ कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट ले चुके हैं तो ये वीडियो आपको देखना होगा लास्ट तक, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूँ तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर जो एनईपी 2020 है, जैसा कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, एनईपी 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 में जो लागू की गई, या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसका पूरा नाम है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी मैंने बता दिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस चेंज किए गए हैं, सेमेस्टर वाइज किया गया, पहले ईयरली था, अब सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस नए वाले बनाए गए हैं उसके बेसिस पर आपको ये पूरी की पूरी क्लास दी जाएगी और उसी के बेसिस पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ये बात आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में आप देखेंगे, केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को, इसके सब्जेक्ट को दो पेपर में बांट दिया गया है। कितने पेपर में? दो पेपर में बांट दिया गया है। पेपर वन में जो बांटा गया है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो जो आपका पहला पेपर है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, और जो दूसरा पेपर इसमें बनाया गया है उसका नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दूसरे पेपर का नाम आपका रहेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर दूं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस आया है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में दो पेपर बना दिया गया है, ये है पेपर नंबर वन, ये पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पेपर, ये पेपर नंबर वन है और ये है आपका पेपर नंबर टू, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये आप देखेंगे पूरी तरह से प्रैक्टिकल पर बेस्ड है, ठीक है, ये है आपका थियरी का पार्ट जो आपको पढ़ना है, जिसका आपका एग्जाम होगा, जिसके लिए बच्चे स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, ये आपका थियरी का पार्ट है जिसको आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप पूर्वांचल से हैं तो आपका एमसीक्यू होगा, अगर आप अवध यूनिवर्सिटी से हैं तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये रहा थियरी का पार्ट जिसका एग्जाम आपका होना है, और अगर मैं बात करूँ कि हम लोग क्या पढ़ाएंगे तो यही पढ़ाएंगे, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री ही आपको पढ़ाया जाएगा क्योंकि यही एग्जाम में आने वाला है। बाकी ये जो दूसरा पेपर है, दूसरे पेपर के लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई तनाव नहीं लेना है, आपके स्कूल वाले आपके कॉलेज वालों की जिम्मेदारी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस को करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल आप जानते हैं आपको कॉलेज में ही करवाया जाएगा, हम लोग तो यहाँ पे करवाएंगे नहीं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बात कर लूँ कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग दो पेपर बनाए गए हैं, पेपर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो कि थियरी का पार्ट है, एंड पेपर नंबर टू जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो कि प्रैक्टिकल का पार्ट है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल का पेपर है और ये आपका थियरी का पेपर है, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल का पेपर है और ये आपका थियरी का पेपर है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग इसमें से पढ़ने क्या वाले हैं, जो आपको अभी कोर्सेज की बात की जा रही थी, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको पढ़ाने की बात की जा रही थी, जो ऑनलाइन लेक्चर की बात की जा रही थी, तो वो बात की जा रही थी इसी पहले पेपर की, क्योंकि यही आपका थियरी का पार्ट है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहेगा। इसमें क्रेडिट सिस्टम वगैरह बनाया गया, तो कभी मैं इस पर अलग से बात कर लूँगा इसमें क्या क्रेडिट सिस्टम है, किस तरीके से और सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है, लेकिन फिलहाल यहीं तक इसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको, पहले पेपर को, क्योंकि दूसरे पेपर का काम तो हम लोग का है नहीं, तो पहले पेपर में आते हैं। पहले पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसकी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कौन सा कोर्स पढ़ने वाले हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो कि थियरी का पार्ट है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको भी आप देखेंगे, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री को भी आप देखेंगे तो इसका जो मार्क सिस्टम बनाया गया, नंबर का सिस्टम, वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, मीन्स 75 + 25, ये कर दिया गया है 75 + 25। इसका मतलब ये हुआ कि 75 मार्क आपको सीधे सीधे पेपर देना होगा, चाहे एमसीक्यू के फॉर्म में हो, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, सब्जेक्टिव फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में आपको 75 नंबर का आपको पेपर देना होगा, जैसे पेपर आपका होता है, ठीक है, ये देना होगा। बाकी जो 25 नंबर है
ही आपको कॉलेज से मिलेगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, बाकी जो 25 नंबर है आपको कॉलेज से मिलेगा अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है, वाइवा वगैरह के लिए मिलेगा। उसमें और ढेर सारी चीज़ें ऐड ऑन है कि कितना आपका अभी प्रेजेंट, आप प्रेजेंट कितना है और ढेर सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है, वो सब मिला करके इसको बनाया गया है 25 मार्क का, ठीक है। तो 25 मार्क आपको मिलने वाला है कॉलेज से इस फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो कि थियरी का पार्ट है इसमें। दूसरी बात, 75 मार्क का आपको देना होगा पेपर इसी के लिए, जो हम जो आप कोर्स ले रहे हैं, जो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो कितने मार्क के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको बिलीव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप 75 मार्क के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये 25 मार्क कॉलेज के हाथ में है, जो आपके हाथ में है वो है 75, 75 नंबर। ये 75 नंबर के लिए आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, इसी 75 नंबर के लिए आप कोर्स ले रहे हैं, और यही 75 नंबर आपको दिलवाने के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है, जिससे आपका इसमें 75 में से कम 70 से 75 के बीच में तो सभी लोगों का मार्क आ ही जाए, ठीक है। और ये मेरा प्रॉमिस है, आप लोग पूरा का पूरा लेक्चर देखिएगा, पूरा कोर्स लेकर के पढ़िएगा 100%। मैं खुद वीडियो बनाऊंगा जब आपका पेपर होगा, इसके बाद मैं खुद वीडियो बनाऊंगा कि सारे क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, वीडियो से आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है, ये मेरी गारंटी रहेगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो 75 मार्क है इसी के लिए आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो यही आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर दूं, केमिस्ट्री के अंदर यानी कि 2020 के अकॉर्डिंग दो पेपर हो गए, दो पेपर में से एक पेपर हमको पढ़ना है जो कि थियरी का पार्ट है। थियरी के पार्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 75 मार्क एंड 25 मार्क। 25 मार्क आपका कॉलेज के हाथ में है, तो इसका टेंशन खत्म कर लीजिए, कॉलेज वाले आपको देंगे, ठीक है, वो कॉलेज की जिम्मेदारी है, तो इसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते हैं। हाँ, ये जो 75 मार्क है जिसके लिए आप यहाँ पे कोर्स लेने आए हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे एडमिशन लेने पढ़ने आ रहे हैं, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। तो इस 75 मार्क्स में ये जो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो थियरी का पार्ट है, इसमें क्या सिलेबसेस रखे गए हैं, क्या सिलेबस आपका है, क्या क्या चैप्टर्स रखे गए हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो 75 मार्क के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं इसको 25 को हटा देता हूँ, क्योंकि हमको सिर्फ 75 पर फोकस रखना है। 75 में से कम अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 70 आना चाहिए सभी लोगों का, और आएगा ही, बिल्कुल गारंटी के साथ आएगा, ठीक है। तो इस 75 में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस रखा गया है, कितनी यूनिट्स रखी गई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि ये जो 75 मार्क का ये जो थियरी का पेपर है, इसमें टोटल कितनी यूनिट्स रखी गई हैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहली बात तो इसमें टोटल 8 यूनिट है। कितनी यूनिट है, तो टोटल कुल मिला के बोल लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मैं 8 इसलिए इस तरीके से लिखा नंबर में, क्योंकि अगर मैं यूनिट के आगे बस 8 लिख देता तो आपको लगता सिर्फ मैं यूनिट 8 की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल 1 से लेकर के 8 यूनिट, यानी टोटल आप देखेंगे तो 8 यूनिट रखी गई है, किसके अंदर, इस 75 मार्क के अंदर, जिसके लिए आपको पेपर देना है, ठीक है। तो अब इसमें से यूनिट फर्स्ट को हम लोग लेते हैं, किसको लेते हैं, यूनिट फर्स्ट को। यूनिट फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। यूनिट फर्स्ट का मैं सिलेबस आज इस वीडियो में डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाकी का हम लोग जो कोर्स है, जो जो इसके पॉइंट्स हैं, जो इसके टॉपिक्स हैं, यूनिट फर्स्ट के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग सिलेबस तक रखेंगे, सिलेबस तक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यूनिट वन को लेते हैं, यहाँ पे यूनिट वन के सिलेबस को डिस्कस करते हैं, और इसके बाद यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जैसा कि मैं आपसे पहले बताया कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, यहाँ तक तो बिल्कुल पक्का हो गया, बात पल्ले पड़ गई, समझ में आ गया, अब बस समझना है कि क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस ऐसा रख दिया है 75 मार्क में जो हम नहीं ला सकते। तो बिल्कुल ला सकते हैं आप लोग, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि कितनी आसान आसान चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं, बिल्कुल हलवा चीज़ें हैं, आप लोग बड़े आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए सिलेबस डिस्कस यहाँ पे करते हैं, सिलेबस, और सिलेबस के अंदर यूनिट वन, ठीक है। अब यूनिट वन के अंदर क्या क्या टॉपिक्स रखे गए हैं ये मैं लिख दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि सिलेबस आपके सिलेबस में केमिस्ट्री के आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट आपको दी गई हैं। कितनी यूनिट, टोटल 8 यूनिट हैं। यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट में टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 यूनिट हैं। 8 में से जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, टोटल के बारे में डिटेल में डिस्कस करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, पहली वाली यूनिट पे आते हैं। तो पहली वाली यूनिट का जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिटेल में पूरा रख दिया है कि क्या सिलेबस आपको इसमें पढ़ना है, कहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो यूनिट वन का डिटेल सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं।
लिखा हुआ है। तो यूनिट वन को भी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यूनिट वन से हमको पढ़ना है, तो यूनिट वन को भी आपका दो पार्ट में डिवाइड करके दिया हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास सिलेबस है तो आप लोग अपना सिलेबस खोल लीजिए, या आपके पास बुक है तो बुक में खोल लीजिए। आप देखेंगे यूनिट वन को दो पार्ट में डिवाइड करके दिया हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में क्या पढ़ना है, पार्ट बी में क्या पढ़ना है, क्या दोनों से क्वेश्चन आएंगे, या किससे क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, किससे क्वेश्चन कम आएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो यूनिट वन केमिस्ट्री की यूनिट वन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। और पार्ट ए में, और जनरली अगर मैं बात करूँ तो यूनिट वन चाहे वो आपकी जूलॉजी की हो, चाहे वो आपकी मैथ की हो, चाहे आपकी बॉटनी की हो, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, सभी के यूनिट वन को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट रखा हुआ है, मीन्स इंट्रोडक्शन, मीन्स कहाँ से वो पैदा हुई। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो यूनिट का पार्ट ए बनाया गया है, यूनिट वन का पार्ट ए, उसमें आपको दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशियंट केमिस्ट्री, मीन्स केमिस्ट्री कहाँ से, बिल्कुल समझिए कि कहाँ से आई, कहाँ से पैदा हुई, किस तरीके से ग्रो हुई, और ग्रो होते 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 आज यहाँ तक पहुँच गई है, इतनी एडवांस केमिस्ट्री हो गई है। तो उसका पूरा समझिए कि सफ़र दिया हुआ है, केमिस्ट्री का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी तक कहाँ पे चल रहा है, ये पूरा सफ़र आप देखेंगे इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में दिया हुआ है, जो कि यूनिट का पार्ट ए है। अगर मैं बात करूँ क्या यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये सिर्फ आपको इसलिए रखा हुआ है नए सिलेबस में, ताकि आप समझ पाएं कि केमिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, और कैसे कैसे किन किन लोगों ने केमिस्ट्री में अपना योगदान दे करके केमिस्ट्री को आज यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत ही महान महान केमिस्ट कौन कौन से हुए थे जो लोग केमिस्ट्री को आज यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो इसको आप लोग बुक ले लीजिए, बुक आपकी अवेलेबल है, आप यहाँ से चैनल पर संपर्क करके ले लीजिए, और उसमें ये जो आपका पार्ट ए है इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशियंट केमिस्ट्री, ये पूरा डिटेल वहाँ पे लिखा हुआ है। कुल मिला के आपका 4-5-6 पेज का होगा, ज़्यादा इसमें नहीं है। तो इसे आप लोग लेकर के डिटेल में उसको एक बार पढ़ लीजिए, ऐसे ही अगर आपका मन है, अगर आपको ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो, अदरवाइज आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे, तो आप देखेंगे पार्ट बी, जो यूनिट वन का पार्ट बी वाला आपका पोर्शन है, क्वेश्चन यहाँ से आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यूनिट वन के पार्ट बी में आपको क्या पढ़ना है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको पढ़ाने का भी फिलहाल कोई मतलब नहीं है इसमें। अगर मैं आपको मान लीजिए पढ़ाता भी हूँ, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। तो फिलहाल अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं कभी इस पे भी वीडियो बना दूंगा अलग से, लेकिन अभी हम लोग फोकस रखते हैं अपने यूनिट वन के पार्ट बी पर। तो आपका जो कोर्स जो हम लोग लॉन्च किए हैं, कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो आप देखेंगे यूनिट वन का वन के पार्ट बी से स्टार्ट होने वाला है, जिसका जो सिलेबस आपका डिटेल में दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ है मॉलिकुलर पोलैरिटी। यूनिट वन के पार्ट बी में आपको सबसे पहले पढ़ना है मॉलिकुलर पोलैरिटी के बारे में, एंड वीक केमिकल फोर्सेस, कुछ फोर्सेस हैं वीक केमिकल फोर्सेज जो केमिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ने होते हैं, कमजोर, वीक मीन्स कमजोर, आप समझ लीजिए कमजोर कुछ फोर्सेस होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी के बारे में, वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में, रिजोनेंस के बारे में, नेक्स्ट है फॉर्मल चार्ज के बारे में, नेक्स्ट है वंडरवाल फोर्सेस के बारे में, आयन डाइपोल। देखिए इसमें दो तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे आयन डाइपोल हो गया, डाइपोल डाइपोल हो गया, इंड्यूस डाइपोल हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, डाइपोल मोमेंट तो अलग हो जाएगा। अगर मैं इसकी इन तीनों की बात करूँ, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, तो इसमें दो तरह की चीज़ें, अगर आप पूरा अपना डिटेल सिलेबस देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करके लिखा हुआ हूँ, तो उसमें आपको दो तरीके की चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। एक तो इसका इंट्रैक्शन पढ़ना है आपको, एक तो इसका आपको इंट्रैक्शन पढ़ना है, मीन्स आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, और दूसरा आपको इसमें पढ़ना है फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्स फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो इंट्रैक्शंस क्या होते हैं और फोर्सेस क्या होते हैं, दोनों दो शब्द हैं और दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है। तो दोनों ही चीज़ें आपको अलग अलग से पढ़नी है, इंट्रैक्शन अलग से आपसे पूछा जाएगा और फोर्स अलग से पूछा जाएगा, हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन रहेगा, मैं जब पढ़ाऊंगा डिटेल में तो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत कम लिखे हैं, कम इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें इंट्रैक्शन वगैरह फोर्सेस वगैरह मैंने रिमूव कर दिया है, तो सिलेबस थोड़ा सा आपको छोटा लग रहा है। ठीक है, आप डिटेल में देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ लेंगे, जब आप नोट्स लेंगे, जब आप कोर्स खरीदेंगे तो आपको उसमें दे दिया जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस, आपको केमिस्ट्री का प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको पढ़ना रहेगा वो डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ना रहेगा, इसके बाद मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना रहेगा, इसके बाद आयनिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे,
फजान्स रूल के बारे में पढ़ेंगे एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यूनिट वन के अंदर जो आपको पढ़ने हैं अपने एग्जाम के लिए, और एग्जाम में भी किसके, जैसा कि मैं बताया आपको कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, 25+75 में डिवाइडेड है। तो हम लोग 25 की बात नहीं करेंगे, हम लोग 75 की बात करेंगे, क्योंकि यही हमको पढ़ना है, यही आपका थियरी का पार्ट है जहाँ से आप एग्जाम क्वेश्चन आने वाले हैं। ये 25 आपका कॉलेज से मिलने वाला है। तो जो 75 होगा, इस 75 में जो यूनिट वन रखी गई है, यूनिट वन में भी जो पार्ट बी रखा गया है वो ये रहा। यूनिट वन भी आपका एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही बस एक बार पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्ट भी आपको पढ़ना इसमें जरूरी हो जाता है। और इसी को हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ाएंगे अभी पूरे कोर्स में आपको, यूनिट वन के पूरे कोर्स में, पूरी यूनिट में, तो ये पूरा हम डिटेल में यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। इसमें से क्वेश्चन आपके 75 मार्क का जो आपका क्वेश्चन जो पेपर आपका आने वाला है इस बार, तो उसमें आएगा, यही से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये पूरी गारंटी रहेगी, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग पढ़ाएंगे, और पूरी गारंटी रहेगी कि एक भी क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से, फर्स्ट के पार्ट बी से, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस वीडियो से ना आए आने वाले समय में, जितने भी पेपर्स यहाँ से होंगे केमिस्ट्री के, ठीक है, ये बिल्कुल गारंटी के साथ रहेगा। दूसरी बात ये रहेगी कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक के पूछे, हालांकि ये आपका, क्योंकि आप जानते हैं कि सिलेबस चेंज कर दिया गया है, तो अभी इसके पेपर वाली बार हुए नहीं है, तो इसका कोई आइडिया नहीं कि किस तरीके के पेपर्स आपके बनाए जाएंगे। और कुछ यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू कर दिया गया, जैसे अगर आप वीबीएसक्यू की बात करें, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की, तो इसमें आप देखेंगे एमसीक्यू आने वाला है आपका। एंड अगर आप रमल्लू की बात करें, यानी कि अवध यूनिवर्सिटी की, तो इसमें आप देखेंगे रिटेन आने वाला है, मीन्स सब्जेक्टिव बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जिसमें वेरी शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट रहेगा एंड लॉन्ग रहेगा, तीन कैटेगरी में डिवाइडेड रहेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एमसीक्यू भी आएगा, रिटर्न भी आएगा, तो दोनों ही फॉर्मेट में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, या तो एमसीक्यू पूछा जाएगा या तो रिटर्न यानी सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो दोनों ही तरीके से आपको यहाँ पर कोर्स में तैयार करवाया जाएगा, एमसीक्यू के लिए भी एंड रिटर्न के लिए भी। और जब आपका यूनिट वन जैसे कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होने के बाद आपको इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए रहेंगे यूनिट वन से अभी तक के, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोनों ही यूनिवर्सिटी में, दोनों यूनिवर्सिटी के जितने भी क्वेश्चंस आज तक के पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा, प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जैसे बुक के क्वेश्चंस हो गया, सीरीज के क्वेश्चंस जो हो गए वो भी सॉल्व करवाया जाएगा, अलग से 2-3 क्लासेस और लेकर के, एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के सॉल्व करवाया जाएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से छूटने ना पाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको समझ आ रही होंगी, कि हम लोग किस तरीके से पूरी स्ट्रेटजी बनाई है आपको पढ़ाने के लिए, किस तरीके से हमने कोर्सेज को लॉन्च किया है। और आप जैसे ही कुछ अभी 4-5 बेटे तो अभी आपके फ्री जाने वाले हैं एज अ डेमो, तो आप लोग देखेंगे तो आपको समझ खुद ही आने लगेगा कि हम लोग कितनी मेहनत के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस, बस यहीं तक मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला था कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर से अपने पूरे वीडियो को समराइज करके आपसे विदा लेता हूँ। जैसा कि मुझे आपसे बताया कि एडमिशन कैसे लेना है, तो एडमिशन का सिंपल सा प्रोसेस है, मैं एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये नंबर आपको दिया गया है, इस पर आपको सिंपली व्हाट्सअप करना है, या फिर आप कॉल कर लीजिए, या फिर आप एसएमएस करके, जैसे भी आप कॉन्टैक्ट करना चाहें करके बताइए कि मुझे एडमिशन लेना है। और इसके बाद इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करनी है, और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तुरंत आपको एडमिशन मिल जाएगा, और व्हाट्सएप पर ही आपको वीडियो का लिंक भेज दिया जाएगा, और जैसे ही आप लोग वीडियो का लिंक ओपन करेंगे वीडियो आपका चालू हो जाएगा, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और फी की अगर हम लोग बात करें, तो फी एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं, फी अगर आप लोग यूनिट वाइज लेना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ रहेगा, सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं तो 700 रहेगा, एंड अगर आप तीनों सब्जेक्ट का एक साथ लेना चाहते हैं तो आपका 1500 में तीनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा, पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसके साथ में आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, जो नोट्स रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, पीडीएफ नोट्स, वो आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। आप लोग चाहें तो क्लासेस में भी हम लोग कोशिश करेंगे पूरा का पूरा आपका जो नोट्स है वो बनवाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग चाहें तो क्लास में भी अपना नोट बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही कोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, तो जनरली अभी जो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं वो एमएससी फर्स्ट ईयर प्लस बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इसमें आप लोग क्लासेस ले सकते हैं, इसमें भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, और फटाफट से लेना स्टार्ट कर लीजिए। इसके बाद केमिस्ट्री का इंट्रो मैंने आपको बता दिया कि दो पेपर होते हैं, दोनों पेपर में से एक जो आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है, जैसे आपको आपके कॉलेज वाले करवाएंगे वो लोग नंबर देंगे। जो थियरी का एक पार्ट है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसमें भी आप देखेंगे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसमें भी दो पार्ट डिवाइड किया हुआ है, 25+75 आपको कॉलेज से मिलेगा, 75 आप हम लोग को पढ़ाना है, तो उसी 75 को हम लोग पढ़ाएंगे, जिसमें टोटल 8 यूनिट दी गई हैं, और 8 यूनिट में से पहली यूनिट को मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, कल से आप देखेंगे पहले टॉपिक से यहाँ से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें एक एक टॉपिक को हम लोग लेकर के बिल्कुल बात करेंगे और पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो ये पूरा रहेगा हम लोग का सिस्टम रहेगा जिस तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको भरोसा है तो आप लोग फटाफट से लेना स्टार्ट कर लीजिए कोर्स। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।